एयरफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स पे आता है और ये एट्रीगाम का है और इसका प्राइस है 425। इसका जो क्रीम है ये क्रीम ऐसे प्लास्टिक की ट्यूब में आता है और इसका इस क्रीम में बैक साइड में इस क्रीम की ऑल इंग्रेडिएंट्स मेंशन किया हुआ है और ये मॉइस्चराइजिंग के फेस एंड बॉडी दोनों पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने इसे अपने फेस और नेक पे ही यूज़ करती हूँ। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट मेरा स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये मॉइस्चराइजर मेरे स्किन पे अच्छे से सूटेबल होता है और ये आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये नॉन ग्रीसी और नॉन इरिटेटिंग है, मतलब जो स्किन का जो सिपसिपाहट है वो मतलब स्किन को लगाने से नहीं होता है और स्किन का जो पोर्स है उसको ये ब्लॉक नहीं करते और इससे एलर्जी होने का चांस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और अभी इसका देख लेते हैं कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा ठीक है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा अप्लाई करने से ही स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप लोग इसे ज़्यादा अमाउंट पे स्किन पे लगाएंगे तो आपको स्किन पे थोड़ा सिपसिपा फील हो भी सकता है, इसलिए आप लोग इसे थोड़ा ही अप्लाई कीजिए। अभी तो विंटर का सीज़न है तो अभी सबको ही एक अच्छे से मॉइस्चराइजर चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर दिस विंटर सीज़न अच्छा ही होगा। आप लोग एक बार इसे परचेज कर सकते हैं। आप लोग इसे फाउंडेशन के भी साथ भी यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन के साथ यूज़ करने से स्किन फटेगा भी नहीं और रफ भी नहीं। से रफनेस, ड्राइनेस और स्किन फटने का जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसे परचेस कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प हो जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।